हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने अनोखी पहल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत भोरंज के माता मंदिर वादेवी से की है। लोगों को उनके घर द्वार तक सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी व कई प्रकार के टेस्ट भी किए जाएंगे। बता दें कि अनुराग ठाकुर की इस मुहिम से एक बैंक को मोबाइल मेडिकल यूनिट में बदलकर उसे चलता फिरता अस्पताल बना दिया गया है। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में न सिर्फ विभिन्न रोगों की जांच होगी बल्कि मौके पर ही उसका इलाज भी होगा। अनुराग के इस चलते फिरते अस्पताल में 40 से भी ज्यादा बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट से न केवल सिर्फ कई रोगों की जांच होगी बल्कि जांच के बाद रोगियों के उसके विशेषज्ञ डॉक्टर से कनेक्ट भी किया जाएगा। अनुराग ठाकुर के इस अस्पताल मुहिम की सबसे खास बात यह है कि इसमें रोगी अस्पताल नहीं जाएगा बल्कि अस्पताल खुद चलकर रोगी के पास आएगा। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा लोगों के घर द्वार तक मौजूद होगी जिससे अनेकों अस्पताल और जांच सेंटर तक पहुंचने वाले खर्च की बचत होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए अनुराग की ये एक अच्छी पहल है। इस चलते फिरते अस्पताल का सबसे ज्यादा फायदा दिहाड़ी मजदूरी दलित बुजुर्गों महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलेगा जिन्हें घर से दूर अस्पताल तक पहुंचने में चक्कर से दिहाड़ी गंवानी पड़ती है। ऐसे में अनुराग ठाकुर के प्रयासों को देखते हुए तो यही लगता है कि खुद को नेता नहीं बल्कि बेटा मानने वाले अनुराग ठाकुर इस मोबाइल मेडिकल यूनिट से हर घर द्वार अस्पताल पहुंचाकर स्वस्थ हिमाचल की नई इमारत लिखने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, दवाई, डॉक्टर, उपचार, अस्पताल, घर के द्वार, ये प्रयास किया गया है मेरे द्वारा और प्रयास सोसाइटी के द्वारा कि हम अस्पताल की सुविधा यानी कि उनकी जांच करने का, उपचार करने का काम अपने संसदीय क्षेत्र में शुरू करें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर और बैसाखी के शुभ अवसर पर हमने योजना लॉन्च की है। ये पूरे देश में अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। अंबेडकर जी की जयंती पर मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के तीनों अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व क्षेत्र हैं चिंतपूर्णी, झंडूता और भोरंज, इनके लिए गाड़ी आज लॉन्च कर दी है। तीनों को एक एक गाड़ी मिल जाएगी, हर पंचायत में ये जाएगी और वहां पर 40 तरह की बीमारियों की मुफ्त जांच की जाएगी जिसका प्राइवेट बड़े अस्पतालों में लगभग 5 से 7 हजार रुपए का खर्चा आता है। हम बिल्कुल मुफ्त अगले 6 महीने तक इसको करके दे रहे हैं। से सारे आए थोड़े छोटा गाना। हाँ, संजीव जी इधर देखो यार, थोड़ा रास्ता देंगे, एक मिनट। पीछे तो रहना दूर से बेचारा फोटो आना बीच ना जो एक मोबाइल सांसद अस्पताल का हमने यहाँ से शुभारंभ किया, इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे सम्माननीय सांसद सीनियर अनुराग ठाकुर जी का है। उनके मार्गदर्शन से, उनकी मोटिवेशन से हम प्रयास के सभी सदस्य ये प्रयास करेंगे कि हर गरीब को, हर जरूरतमंद को और समाज के उस
वर्ग को जिसको वास्तविक जरूरत है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, यही हमारा आज का मोटिव करके पंचायत प्रधानों से और गांव के लोगों का जो समूह होगा, जहां जहां से भी हमें मांग आएगी हम उन उन क्षेत्रों में जाएंगे, उनका एक डाटा तैयार करके उनके जो भी टेस्ट हो उसको प्रॉपर, और जो हमारे यहां पे चिकित्सा अधिकारी होंगे डॉक्टर साहब होंगे उनसे संपर्क करके उनके सारा इलाज किया जाएगा। एमएलए कमलेश जी, एसएस की मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर जी, प्रधान बाड़ी बगवाड़ा और अन्य मंच पर बैठे हुए लोग, अनुराग जी ठाकुर की तरफ से और ये जो प्रयास संस्था है इसकी तरफ से जो शुरुआत हुई है इसके लिए ये इलाका आभारी रहेगा इनका। साथ ही आज एक नव वर्ष की शुरुआत है, बैसाखी है, अंबेडकर जी का जन्मदिन है, तो बहुत सी शुरुआत हुई है। मेरे को लगता है ये उससे भी अच्छे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जो शुरू होने जा रही है, ये अनुराग जी का और जो प्रयास संस्था है इन दोनों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुझे वहां काम करने का मौका मिला। और उसके बाद वो टेस्ट, वो मेडिकल ऑफिसर वहां पे नहीं है। आज की दुनिया आधा परसेंट लोग, क्योंकि 100 में एक आदमी को शुगर का मरीज पाया जाता था, अब 7-10% लोगों को शुगर है हमारे एरिया में। हम जो एक नया प्रोग्राम भी चला है एनसीडी प्रोग्राम जिसमें हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो उसमें हमने पाया कि 10% लोगों को शुगर की बीमारी आ रही है, और हिंदुस्तान में 10-15 करोड़ जो है वो शुगर के मरीज हैं। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सिर से लेकर पांव तक के हमारे हर अंग को प्रभावित करती है। शुगर के कारण किडनी के रोग जो बन पा रहे हैं देखने में आया, जितने भी किडनी फेल हो रहे हैं आज कुछ समय 50% लोगों को शुगर होती है। यानी कि अगर शुगर का कंट्रोल होगा तो किडनी की बीमारी ठीक हो जाएगी। सिंपल, किडनी की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, किडनी का प्रत्यारोपण किया जाता है, अगर और प्रत्यारोपण का खर्चा जो है लाखों रुपए में आता है, और उसका बचाव जो है वो आसान है, एक तरह से मुफ्त है। अगर हमारे शुगर कंट्रोल रहेगा तो किडनी की बीमारी नहीं होगी। दूसरा शुगर का हार्ट की बीमारियों पे 10-20% हमारी आज के लोगों को हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, ये सारे रोग जो है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनको कहते हैं, ये सारे हमारे जो हमारा आज का रहन सहन बदला है, जो आराम प्रस्ती हमने आ गई है उसके कारण हुआ है। टेस्ट है, गुर्दे के सभी टेस्ट हैं, शुगर के टेस्ट हैं, लीवर के टेस्ट हैं, वो सारे मुफ्त किए जाएंगे, जिनका खर्चा के लगभग 5-7 हजार पे आता है प्राइवेट। हम अमुक स्थान पे इतने समय पे आएगी तो आप लोग सब लोगों को वहाँ पे आना है। आप सब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूं। चयन भी किया गया है एक अच्छी शुरुआत करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर यह कार्यक्रम क्यों किया गया, क्योंकि हमारी कुल देवी माँ अवा देवी के आशीर्वाद के बिना इतनी बड़ी सेवा की योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए शायद सबसे पहला आप जैसे मेरे बड़े बुजुर्गों का चाहिए था, इसलिए आप सबको जी, जिन्होंने देश का संविधान लिखने में बहुत बड़ा योगदान दिया, गरीब दलित मजदूर महिला इन सबके उत्थान के लिए और समाज में एक बराबर अधिकार के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, आज उनकी जयंती के अवसर पर जहां देश भर में कई कार्यक्रम किए जाएंगे, मेरा यह प्रयास था कि जब वो सभी वर्गों के लिए एक जैसा सोचते थे तो कार्यक्रम क्यों केवल दलित वर्ग तक सीमित रखा जाए। स्वास्थ्य की समस्या तो हर व्यक्ति की हो सकती है, गरीब की, अमीर की, महिला की, मजदूर की, नौजवान की, स्वस्थ रहने का अधिकार है। अगर हमारे संविधान ने हम सबको अधिकार एक बराबर दिए हैं और संविधान निर्माता के जन्म दिवस के अवसर पर हम केवल एक विशेष वर्ग तक अपने आप को सीमित करके रख लें तो ये उचित नहीं होगा।
इसलिए सभी वर्गों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, दवा, डॉक्टर और उपचार अस्पताल आपके द्वार, अस्पताल आपके द्वार और अस्पताल आपके अपने द्वार होगा। अधिकतर देखा जाता है कि गरीब व्यक्ति पहला डर होता है कि मैं एक दिन की अपनी दिहाड़ी को तोड़ लूंगा तो मेरे दिन का 150, 200, 250, 300 जितनी भी दिहाड़ी कमाता होगा उतना पैसा मेरा नहीं मिल पाएगा। दूसरा उसको लगता है कि मैं जिला के अस्पताल पर चला गया या ब्लॉक पर गया तो आने जाने का किराया लगेगा, डॉक्टर मिले ना मिले तो मेरा क्या होगा। तीसरा डर लगता है कि जेब से खर्चा कितना कर पाऊंगा, क्योंकि परिवार को रोजी रोटी की चिंता भी रहती है। हमने इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है और प्रयास संस्था के साथ मिलकर किया है कि 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, जिसको SMS सेवा भी आप कह सकते हैं, अस्पताल सेवा भी कह सकते हैं, ये प्रतिदिन अलग अलग पंचायतों में जाएगी। मैं कह सकता हूं आपके गांव, आपके द्वार, ये अस्पताल चलकर आएगा आपका इलाज करने के लिए। ये लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट अगर आप करवाने जाएं, लिपिड टेस्ट करवाने जाएं और जो बाकी टेस्ट भी लिखे तो 5,000 से 7,000 रुपए का खर्चा बड़े अस्पताल में आता है। सरकारी अस्पताल में भी जाएं तब भी 700 से 900 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। हमने शुरुआती कुछ महीनों में प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम पहले 6 महीने प्रयास संस्था और कुछ दानी सज्जन जो भी दान करेंगे वो इसका खर्चा सहन करेंगे और इसको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा और हजारों लोगों का इलाज इसके माध्यम से किया जाएगा। इसमें MBBS डॉक्टर भी होगा, लैब टेक्नीशियन भी होगा, फार्मासिस्ट भी होगा, नर्स भी होगी, ताकि आपकी डायग्नोज करके आपको दवाई देने का काम भी उसी स्थान पर कर दिया जाए। सेवा हम अगले कुछ दिनों में इसमें और जोड़ने वाले हैं, जिसकी घोषणा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि जब तक वो हो नहीं जाता तब तक उसकी जानकारी यहां देना संभव नहीं होगा। लेकिन इसकी सफलता पर यह निर्भर करता है कि इसका कितना विस्तार किया जाएगा। पहले चरण में 3 गाड़ियां हमने दी, लाखों रुपए इन गाड़ियों पर खर्चा हुआ, जो मशीनें इनके ऊपर लगाई गई हैं वो आपके PHC और CHC पर भी नहीं मिलती, यानी कि PHC पर भी आपके लिए जो 2 सुविधाएं होती हैं उससे तो कई गुना ज्यादा सुविधा हम इस गाड़ी के माध्यम से दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए 40 तरह के टेस्ट जो केवल बड़े अस्पताल में होते हैं वो हमारी छोटी सी गाड़ी करके दिखाएगी, हमारा छोटा सा प्रयास करके दिखाएगी। तारा विधानसभा क्षेत्र, तो ये जो पहली 3 गाड़ियां मैंने आपको उपलब्ध करवाई हैं, आज अंबेडकर जी की जयंती पर इलाज सबका हो भविष्य में, इसको किसी धर्म जाति के साथ जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन जो उनका सपना था कि समाज के हर गरीब को अधिकार मिले, तो गांव, गरीब, वंचित, दलित, महिला, मजदूर, बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक इन सबको इसका लाभ मिले, तो पहले चरण की ये 3 गाड़ियां जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर के जो एक एक रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है, जैसे चिंतपूर्णी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, झंडूता अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, भोरंज अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, लेकिन समाज के सभी लोग यहां पर रहते हैं, इलाज सबका होगा, लेकिन 3 गाड़ियां हैं और 3 अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं, तो पहले 3 गाड़ियां अम्बेडकर जी की जयंती पर हम 3 विधानसभा क्षेत्रों को समर्पित करते हैं। भाई और बहनों,
इसमें कुछ सहयोग मुझे आपका भी चाहिए हो, विशेष तौर पर मेरी माता और बहनों का। जो महिला मंडल आपके बने, अगर उसके माध्यम से आप जानकारी दे पाएंगे तो हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जुट जाएं। जहां पर एक या दो कमरों की सुविधा होगी वहां आकर ये वैन खड़ी होगी, वहां टेबल कुर्सी लग जाएगा, टेंट हम लगवा लेंगे, और आप उठकर जब बाद में देखेंगे तो गाड़ी के पीछे एक टीवी की स्क्रीन भी लगी। उस टीवी की स्क्रीन पर आपको मेडिकल से जुड़ी हुई अलग अलग जानकारियां मिलेंगी। डॉक्टर साहब अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि देश में शुगर के पेशेंट बहुत हैं। मैं इससे दो कदम आगे और जाकर कहना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट, डायबिटिक्स के पेशेंट, दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट, दुनिया में सबसे ज्यादा ओबेसिटी यानी कि मोटापे के पेशेंट किसी और देश में नहीं, वो सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में है। मैं प्रयास किया है कि आम जनमानस को कुछ प्रयास करो, और रामायण की मैं उस घटना के पास आपको लेके जा रहा हूं, याद करवा रहा हूं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया, सेवक होने के नाते मैंने भी एक प्रयास किया है कि डॉक्टर अग्निहोत्री और बाकी डॉक्टर्स की तरह उपचार तो मैं आपका नहीं कर पाऊंगा, सरकार के जितनी क्षमता तो मेरी सभी तक पहुंचने की नहीं होगी, लेकिन अपनी ओर से आपका जीवन बचाने और सेवाएं पहुंचाने के लिए ये अस्पताल की एक सुविधा आपके घर द्वार लेकर मैं आ रहा हूं। हनुमान होने के नाते क्योंकि आप मेरे देवी देवता हैं, आपकी सेवा करने का मेरा अधिकार है, और मैंने कभी नेता बनकर यहां पर काम नहीं किया, नेता नहीं आपका बेटा बनकर काम करने का प्रयास किया। इकट्ठे मिलकर अस्पताल की इस योजना को, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा को, इस सेवा को केवल सांसद की सेवा न समझें, इसको जनता की सेवा के लिए एक एक व्यक्ति अपना योगदान देने का प्रयास करें। जितनी जनता को हम जागरूक करेंगे, जितनी जनता तक इसको पहुंचाएंगे, उतना लाभ उन लोगों को मिल पाएगा। आइए मिलकर इस अभियान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। मैं अपने मीडिया के मित्रों से आस्ते और बाकी सबसे कहना चाहूंगा कि अंत में एक मिनट में मैं कहकर छोड़ देता हूं कि है क्या। गांव में गरीब, मजदूर, महिला, दलित, इनके लिए जो मुश्किलें होती थी अस्पताल की सुविधा की, हमने दवा, डॉक्टर और उपचार अस्पताल आपके द्वार पहुंचाने का प्रयास किया है। 40 तरह के ये जो हम बीमारियों की मुफ्त जांच करवाएंगे और अस्पताल आपके घर द्वार पहुंचाएंगे, आपको लंबा जीवन देने का प्रयास करेंगे, और ये जिसकी कीमत लगभग 5 से 7 हजार रुपया प्राइवेट अस्पतालों में आती है, आपके लिए मुफ्त आपके घर, आपके गांव, आपके द्वार पहुंचाएंगे। आपके जीवन से ज्यादा कोई पैसा महत्व नहीं रखता, आपका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत की योजना मोदी जी ने चलाई, अस्पताल की योजना आपके सांसद ने आपके लिए चलाई है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आयुष्मान भारत में मोदी जी ने प्रयास किया है कि देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को, यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त देगी। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2 अक्टूबर से आपको मुफ्त इलाज देना शुरू कर देगी। करते हैं डायग्नोज, आपको कर लेते हैं, आपको मुफ्त जांच आपकी कर देते हैं, तो जो गरीबी रेखा के नीचे होंगे, मोदी जी के 5 लाख रुपए की सुविधा का लाभ उनको मिल पाएगा। भाई और बहनों, आज कार्यक्रम 6-7 और हैं। आपने सुबह सुबह 9 बजे के कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी संख्या में आकर मेरे इस विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है, क्योंकि मेरे पिताजी प्रेम कुमार धूमल जी, जिनकी ये सोच थी
कि गांव में रहने वाले गरीब को अगर इलाज अच्छा करवाओगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी। उन्होंने बहुत सारे अस्पताल खोले, टांडा मेडिकल कॉलेज से लेकर ईएसआई का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नीरचौंग में भी खोला, सैकड़ों डॉक्टरों की नियुक्तियां उस समय की। और सबसे बड़ी बात कि 108 नंबर की एम्बुलेंस की सुविधा अगर हिमाचल प्रदेश ने किसी ने लॉन्च की थी तो प्रेम कुमार धूमल जी ने, कि एम्बुलेंस तो घर घर उन्होंने पहुंचाई है। अगर इस बार वो मुख्यमंत्री होते तो गांव गांव में अस्पताल भी पहुंचा देते। मैंने प्रयास किया है कि अपने संसदीय क्षेत्र में धूमल जी की उस सोच को पहुंचाऊंगा और अस्पताल को गांव और द्वार तक आपके पहुंचा कर रखूंगा। निश्चित तौर पर ये मेरे माता पिताजी की सोच भी है, उनका आशीर्वाद भी है। कल जब ये दिल्ली से गाड़ी बनकर चलकर तैयार होकर आ रही थी तो मेरा बेटा इस गाड़ी को देखकर कह रहा था, पापा ये तो एम्बुलेंस है कि अस्पताल है। पर जब उसने अंदर से देखा कि नहीं, एम्बुलेंस में तो केवल स्ट्रेचर होता है, इसमें तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो अगला पूछने लगा, अच्छा इसमें डॉक्टर कहां बैठेगा, नर्स कहां बैठेगी, कहां कहां जाएगी। अब ऐसे प्रश्न आपके मन में भी बहुत होंगे। हमने 14 दिन का समय अगला लेना है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में, भोरंज में, झंडूता में, चिंतपूर्णी में, वहां की जिन जिन पंचायतों से हमें डिमांड आएगी कि उनके यहां पर भिजवाएं, उन पंचायतों के स्थानों का निरीक्षण करके एक पूरा चार्ट हम अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से जारी करेंगे। एक महीने का चार्ट हम जारी कर दिया करेंगे कि किस दिन किस पंचायत में एम्बुलेंस कहां का, ये अस्पताल कहां कहां जाएगा, तो उसका लाभ भी आपको मिल पाएगा, ताकि पूरे एक महीने का आपके पास चार्ट हो, किसी को एक पंचायत में छूट जाए तो दूसरी पंचायत में जो उसको जाना है। एक छोटी जानकारी मैं आपको और दे दूं, आप कृपया करके अपना आधार कार्ड लाना ना भूलें। हम चाहते हैं कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि होता क्या, आप जब किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं तो लोग कहते हैं पिछले टेस्ट लंदे नहीं लंदे। हम प्रयास करेंगे कभी आपको इलाज करवाने की जरूरत पड़े तो आप अगर हमारे दिए हुए नंबर पर फोन भी करेंगे तो उस अस्पताल में हमारा बैठा हुआ व्यक्ति बता देगा कि आपको पहले क्या क्या बीमारियां थी, आपके परिवार में किसी को कोई और बीमारी तो नहीं थी, तो आपकी उस समस्या का हल भी हम करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।